हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर डे सिक्स असाइनमेंट सॉल्यूशंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ मेटालिक स्फीयर कूल्स फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस इन 300 सेकेंड्स। इफ़ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अराउंड इट इज 20 डिग्री सेल्सियस देन द स्फीयर्स टेम्परेचर आफ्टर नेक्स्ट 5 मिनट विल बी क्लोज टू। तो बेटा ऑब्वियसली दिस इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और आप सबको पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंगली आपका क्या है, dT/dt इज इक्वल टू के T-TS, वेयर टी क्या है यहाँ पे आप बोल सकते हैं, इस द मेन टेम्परेचर। क्लियर? नाउ आपको क्या दिया है यहाँ पे, अब ये TM आप कैसे निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली आप दोनों टेम्परेचर को 50 + 40 को प्लस कर लीजिए, अपॉन टू कर लीजिए, तो 50 + 40 कितना हो जाएगा 90 अपॉन टू मीन्स 45 डिग्री सेल्सियस, और TS जो है वो आपको दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? और आपको टाइम इंटरवल dT भी दिया है, कितना दिया है 300 सेकेंड्स। क्लियर? तो ये आपको दिया हुआ है, आप इसको डाल लीजिए वैल्यूज, तो क्या आ जाएगा ये आपका, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी अगर आप यहाँ पे वैल्यूज डालें। इस dT का मतलब ये भी है आपका कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यहाँ ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं θi - θf या TI - TInitial - TFinal अपॉन dT। क्लियर? इज इक्वल टू KTm - TS। तो डाल दीजिए वैल्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 - 40 अपॉन dT कितना दिया आपको 300 इज इक्वल टू KTm कितना निकला 45 माइनस और TS कितना है 20। क्लियर? तो ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन वन। अब उन्होंने नेक्स्ट क्या दिया है, स्फीयर टेम्परेचर ऑफ नेक्स्ट 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद उस स्फीयर का टेम्परेचर कितना होगा। तो बेटा 5 मिनट्स मीन्स, 5 मिनट मीन अगर आप इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करें इट इज़ आल्सो इक्वल टू 300 सेकेंड्स। तो मैंने लेट कर लिया उसका टेम्परेचर कितना होगा, टी होगा। तो बेटा निकाल लीजिए, अब आपका टेम्परेचर कितना है 40 है माइनस टी अपॉन 300 सेकेंड्स है ये भी, ठीक है, इज इक्वल टू के, अब यहाँ पे टी एम कैसे निकालेंगे, टेम्परेचर कितना हो चुका है 40 पहुँच चुका है, तो 40 + T/2 मीन टेम्परेचर लेते हैं ये, तो माइनस टी एस तो कितना है 20 डिग्री सेल्सियस ही है। क्लियर हो गया? तो इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को बेटा मैंने क्या किया, डिवाइड किया। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 300 कैंसिल हो जाएंगे, तो 50 - 40 कितना होता है आपका 10 होता है, तो 10/40 - T रह जाएगा इज इक्वल टू के, और के भी क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 45 - 20 आ जाएगा, ठीक है, -20/40 + T/2 - 20। तो बेटा जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके T की वैल्यू निकालेंगे तो आप इसकी वैल्यू जो है वो कम्स आउट टू भी ये कुछ इस तरह से आ जाएगी, T इज़ इक्वल टू 100/3 मीन्स 33 डिग्री सेल्सियस। तो इस डी पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हेन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए एट 100 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू 50 ग्राम ऑफ लिक्विड बी एट टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो आपको उन्होंने क्या बोला है, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर बिकम्स कितना आ जाएगा, टेम्परेचर मिक्सचर का 90 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो उन्होंने बोला है द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इफ 100 ग्राम ऑफ लिक्विड एट ए लिक्विड ए एट 100 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू 50 ग्राम ऑफ लिक्विड बी एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा क्या मतलब है इसका, पहले 100 ग्राम ऑफ लिक्विड जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस ऐड हो रहा है 50 ग्राम ऑफ लिक्विड बी एट टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 100 ग्राम किसका आ रहा है आपका, 100 ग्राम आ रहा है लिक्विड का, कहाँ पे, एट 100 डिग्री सेल्सियस ऐड किया जा रहा है किसमें, 50 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, ये लिक्विड ए है, 50 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 75 डिग्री सेल्सियस, और जो टेम्परेचर मिक्सचर का बनेगा इन दोनों को मिला के वो टेम्परेचर कितना है 90 डिग्री सेल्सियस, कितना है 90 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है, लिक्विड ए जो है वो क्या करेगा, हीट लूज़ करेगा, और लिक्विड बी जो है वो हीट गेन करेगा, और दोनों लिक्विड ए तब तक हीट लूज़ करेगा जब तक टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता, और लिक्विड बी तब तक हीट गेन करेगा जब तक टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता। तो इसका मतलब यहाँ पे हीट लॉस कौन कर रहा है, हीट लॉस्ड बाय लिक्विड ए, क्लियर, वो इक्वल होगी जो हीट गेन करेगा, हीट गेन्ड बाय लिक्विड बी। क्लियर?
तो अब आप सबको पता है हीट लॉस क्या होता है, मास ऑफ लिक्विड है वो कितना है 100 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट ए की ले ली मैंने ऐसे इंटू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है डेल्टा टी होता है तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है माइनस कितना होना चाहिए उसको लूज़ करेगा तो 90 पे पहुंचना है इज इक्वल टू हीट गेन बाय लिक्विड ए। तो एक लिक्विड बी का मास कितना है बेटा 50 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट मैंने एस बी ले ली और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 90 उसका पहुँचना है और पहले कितना था 75 गेन करेगा वो, क्लियर हो गया। तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा आपका 1000 SA इज इक्वल टू ये बन जाएगा 50 × 90 − 75 इज 15 SB, क्लियर। तो इसका मतलब आपका 4 SA जो है वो किसके बराबर आ जाएगा कुछ समथिंग 3 SB के बराबर आ जाएगा। तो इसको एक इक्वेशन हमने लेट कर ली है, क्लियर। अब सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में उन्होंने क्या बोला है द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, आपको मिक्सचर का टेम्परेचर निकालना है वो हमने टी लेट कर लिया, टी क्या है टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर जो आपको निकालना है कब 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए एट 100 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू 50 ग्राम ऑफ लिक्विड एट 50 डिग्री सेल्सियस। अब 100 ग्राम लिक्विड ए का ऐड हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे और 50 ग्राम ऑफ लिक्विड बी हो रहा है एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा ऑब्वियसली यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे भी, तो लगा लीजिए कितना लिक्विड है ए का 100, मास कितना है 100 ग्राम इंटू आपका स्पेसिफिक हीट मैंने अगेन एस ए लेट कर ली और टेम्परेचर कितना है पहले 100 था लूज़ करके टी पहुंच गया इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 ग्राम है इंटू एस बी आ जाएगा एस बी और चेंज इन टेम्परेचर पहले 50 था अब कितना हो जाएगा टी हो जाएगा तो टी माइनस 50, क्लियर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, क्लियर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इतना बन जाएगा कैंसिल आउट करके 4 times SA, ठीक है ठीक कर सकते हैं ना आप, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 × 2 = 50 और 25 × 4 = 100 तो ये बन गया 4 SA × 100 − T इज इक्वल टू 2 SB T − 50। तो बेटा 4 SA की वैल्यू आपने निकाली है, 4 SA की जगह पे मैं 3 SB लिख सकती हूँ इंटू 100 − T इज इक्वल टू 2 SB × T − 50। तो बेटा SB कैंसिल हो जाएंगे, अब आप जब इसमें T निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वो 300 − 3T इज इक्वल टू 2T − 52 जा कितना हो जाएंगे 100। तो जब आप यहाँ से T को सर ले जाइए ये 5T बन जाएगा इज इक्वल टू 400, तो T कितना आ गया हमारा 80 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब बी पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, 3 रॉड्स हैं ऑफ कॉपर ब्रास एंड स्टील आर वेल्डेड टुगेदर टू फॉर्म अ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। हमने एक क्या करना है, एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनाना है 3 रॉड्स का कॉपर ब्रास एंड स्टील। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबका क्या है एक जैसा ही है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कॉपर रॉड को हमने मेंटेन किया है 100 डिग्री सेल्सियस पे और बाकियों का जो ब्रास एंड स्टील का टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्वियसली बेटा जो हीट फ्लो करेगी वो कॉपर से करेगी। तो इस तरह से हमने ये 3 वायर्स ले ली हैं, ये कॉपर की है तो इसका टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। तो यहाँ से हीट फ्लो करेगी और इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, ठीक है। इन दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस है, तब तक हीट फ्लो करेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर सबका टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। तो इसकी लेंथ को मैंने L1 लेट कर लिया, इसकी L2 कर लिया, इसकी L3 कर लिया, यहाँ पे जो मेरा थर्मल कंडक्टिविटी है K1 है, यहाँ पे K2 लेट कर लिया, यहाँ पे K3 लेट कर लिया और यहाँ से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितना है dQ1/dT, यहाँ पे कितनी आ रही है dQ2/dT और यहाँ पे कितनी आ रही है dQ3/dT, क्लियर। तो लेंथ उन्होंने दी है आपको 46 है कॉपर वाले की, ब्रास की 13 है और स्टील की कितनी है 12 है। तो रॉड्स आर थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग एक्सेप्ट एट एंड्स, थर्मल कंडक्टिविटीज़ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटीज़ K1 K2 K3 की वैल्यूज़ भी आपको दी हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आपको निकालना है थ्रू द कॉपर रॉड। तो यहाँ से कितनी मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट dQ1/dT। तो बेटा आप सबको पता है dQ1/dT जो होगा वो किसके बराबर होगा, जितनी ये हीट है वो दोनों में फ्लो कर रही है तो ऑब्वियसली dQ2/dT प्लस dQ3/dT, दोनों में जो हीट आ रही है वो कॉपर वाली से ही आ रही है तो ऑब्वियसली दोनों को सम करेंगे तो वो कॉपर के बराबर हो जाएगा, क्लियर हो गया। और आपने सबने फॉर्मूला पढ़ा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो होती है dQ/dT वो कितनी होती है K×A×T1 − T2/x या L लिख सकते हैं आप, क्लियर हो गया। तो डाल दीजिए ये वैल्यू आप, जब आप ये वैल्यू डालेंगे यहाँ पे तो dQ1/dT ये किसके बराबर आ जाएगा आपका
वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपका के, के कितनी है बेटा यहाँ पे 0.92, 0.92 है कॉपर की इंटू एरिया ए, ठीक है, एरिया सबका सेम दिया है, एरिया ऑफ रॉड तो ए आ जाएगा, इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर 100 है, माइनस हमने बोला जो सेम टेम्परेचर होगा सबका वो कोई टी है तो वही, ठीक है, ये टी लेट कर लिया हमने, अपॉन लेंथ कितनी दी है इसकी 46 दी है, इज़ इक्वल टू ये कितना आ जाएगा हमारा, ये कितना दिया है 0.26 इंटू ए, और यहाँ पे कितना है आपका टी माइनस ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि टेम्परेचर ज़ीरो है बाद में टी हुआ तो टी माइनस ज़ीरो, और लेंथ कितनी दी है 13 प्लस तीसरा क्या है 0.12 ऑब्वियसली इंटू ए, और यहाँ पे भी टी माइनस ज़ीरो ही आएगा, अपॉन लेंथ कितनी दी है यहाँ पे 12 दी है, क्लियर हो गया। तो बेटा जब आप यहाँ से देखेंगे तो ये ए सब में है, कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपका ये जो टी है ये कितना आ जाएगा आपका 40 डिग्री सेल्सियस, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका टी कितना बन जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। तो देयरफॉर आपको निकालनी क्या है, आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकालनी है थ्रू कॉपर रॉड, मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट dQ1/dt। तो dQ1/dt का इस इक्वेशन से फॉर्मूला क्या बनेगा, के कितना है 0.92 इंटू ए, एरिया दिया है आपको 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ गया, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया क्योंकि सारे आपके देखें CGS यूनिट्स में हैं तो 4 ही रहेंगे, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इंटू 100 माइनस टी, तो टी बेटा आपका निकला हुआ है कितना 40 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, अपॉन लेंथ कितनी है यहाँ पे 46। तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट dQ1/dt कितना आ जाएगा 4.8 कैलोरी पर सेकेंड, तो 4.8 में सी पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, अ पीस ऑफ मेटल इज हीटेड टू टेम्परेचर थीटा एंड देन अलाउड टू कूल इन अ रूम टेम्परेचर विच इज़ एट टेम्परेचर थीटा नॉट, ठीक है। तो आपको ये दिया हुआ है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, ये आपका क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, आप सबने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ा है, तो हमने बोला कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है कि जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होती है dQ/dt वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर डिफरेंस, तो पहले टेम्परेचर थीटा था, कूल करने के बाद थीटा नॉट हो गया, तो थीटा माइनस थीटा नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्लियर हो गया। अब क्या है, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे अगर हम, तो आप सबको पता है हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, माइनस के लगाते हैं, थीटा माइनस थीटा नॉट, माइनस साइन हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हीट का लॉस हो रहा है विद टाइम, क्लियर हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई थी, फर्स्ट बन गई थी। अब बॉडी जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, मैंने बोला कितना टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, डी थीटा टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है इन टाइम dt में, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट लॉस तो वो कितनी होगी, dQ होगी, और सबको पता है हीट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, dθ चेंज हो रहा है, तो दोनों साइड मैंने dT से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो dT और ms कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी dθ के नीचे क्या आ जाएगा, dT, क्लियर हो गया। तो dθ के नीचे भी dT आ गया, तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन गई, सेकंड बन गई। दोनों को कंपेयर कर दीजिए, फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो आपके राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएंगे, तो इसका मतलब आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, ms dθ/dt इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, -k θ - θ0। अब थीटा वाले एक साइड ले जाइए तो dθ/, ये θ - θ0 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू -k ms नीचे आ जाएगा और dt उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये k ms और ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट है, इसको मैंने सी लेट कर लिया है, इंटू dt आ जाएगा, माइनस साइन साथ में रहेगा, dθ/θ - θ0, ये सारा कूलिंग लॉ है, इंटीग्रेट कर दीजिए, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका log θ - θ0, और इस साइड कितना आ जाएगा, -c × t प्लस Kk, वेयर Kk क्या है आपका, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो इक्वेशन है बेटा, ये इक्वेशन किसकी है आपकी, दिस इक्वेशन इज़ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हैविंग नेगेटिव स्लोप, इसकी स्लोप कैसी है, नेगेटिव है, क्लियर, क्योंकि आप इसको निकाल सकते हैं, ये क्या बन जाएगा, θ - θ0 इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, e⁻ⁿ + k आ जाएगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, e⁻ⁿ इंटू e⁻ k, क्लियर। तो इस e⁻ k को मैंने क्या लिख दिया, c डैश, बिकॉज इट इज़ कॉन्स्टेंट, तो e⁻ⁿ ऐसे ही आ गया,
ई की पावर के क्या है, हमने मैंने इसको सी डैश लिख दिया, इट इज़ कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से थीटा किसके बराबर आ जाएगा, थीटा नॉट प्लस सी डैश इंटू ई की पावर माइनस ई टी। ठीक है, तो जब आप इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा किस में, लॉग थीटा, एक साइड आपने क्या ले लिया, लॉग थीटा माइनस थीटा नॉट ले लिया है, और दूसरी साइड आपने क्या ले लिया है, टेम्प टाइम ले लिया है। ठीक है, तो वो ग्राफ आपका ऐसे आएगा, क्लियर हो गया, नेगेटिव स्लोप है नीचे की तरफ, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब आपका ये जो बी पार्ट है इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी पार्ट नहीं सॉरी सी पार्ट इज़ द, हाँ बी पार्ट, अच्छा ये बी है, दिस इज सी, तो ए बी सी डी, तो सी पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका, अ रॉड ऑफ लेंथ एल एट रूम टेम्परेचर एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज़ मेड ऑफ मेटल हैविंग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा पर डिग्री सेल्सियस। उन्होंने बोला इट इज़ ऑब्जर्व दैट एन एक्सटर्नल कंप्रेसिव फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन ईच ऑफ इट्स एंड्स प्रिवेंट्स एनी चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड व्हेन इट्स टेम्परेचर राइजेज बाय डेल्टा टी केल्विन। उन्होंने बोला जो टेम्परेचर हम रेज कर रहे हैं तो उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा है और उसको हमने एक एक्सटर्नल कंप्रेसिव फोर्स के अंडर रखा गया है, तो उन्होंने बोला बताएं यंग्स मॉडुलस फॉर दिस मेटल इज वो कितना होगा। तो क्लियरली बेटा एल लेंथ कितनी है रॉड की, एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपकी अल्फ़ा है, तो चेंज इन लेंथ निकाल लीजिए वो कितनी होती है आपकी, डेल्टा एल होती है, डेल्टा एल किसके बराबर होती है, एल इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा एल अपॉन एल कितनी आ जाएगी आपकी, अल्फ़ा डेल्टा टी, क्लियर। अब आपने रॉड को क्या किया है, सब्जेक्ट किया है टू कंप्रेसिव स्ट्रेस फोर्स एफ, तो बेटा कंप्रेसिव फोर्स लगी है तो यहाँ पे यंग्स मॉडुलस जो होगा आप सबको पता है उसकी, उसका क्या वो होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस कितनी है, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन कितनी होती है, डेल्टा एल अपॉन एल, क्लियर। तो डेल्टा एल अपॉन एल निकाल लीजिए यहाँ से भी, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल उधर चला जाएगा, ये बन जाएगा एफ अपॉन ए इंटू वाई, क्लियर। अब ये दोनों इक्वेशन अगर आप देखें, उन्होंने बोला लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रही है, तो अगर कोई चेंज नहीं आ रही इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन लेंथ जो है चेंज नहीं कर रही है, तो इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम होगा तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी, तो हमारा अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी जो है वो वाई अपॉन ए इंटू वाई बन जाएगा। यू हैव टू कैलकुलेट दिस वाई, तो वाई किसके बराबर आ जाएगा, एफ अपॉन ए इंटू अल्फ़ा डेल्टा टी। तो ये आपका यंग्स मॉडुलस आ गया, एफ अपॉन ए इंटू अल्फ़ा डेल्टा टी, डी पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन।